पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में जारी टकराव को एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसा माना जा रहा था कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी कम होने की बजाय इस कदर बढ़ी कि उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा ही दे दिया और ट्वीट कर अपना हाल दर्द बयां किया। इस इस्तीफे ने पंजाब की पॉलिटिक्स में अपने ट्विस्ट ला दिया है। पंजाब की सियासत में पद की चाह में नवजोत सिंह ऐसे रूठे कि एक महीने तक मान मनोवल का सिलसिला चलता रहा। कभी राहुल ने बनाया तो कभी अहमद पटेल ने बिजली विभाग की जिम्मेदारी संभालने के लिए समझाया। सिद्धू और कैप्टन के बीच तकरार को खत्म कराने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। उल्टा गुरु का गुस्सा ऐसा बढ़ा कि पंजाब के मंत्री पद से इस्तीफा ही दे दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैंने अपना इस्तीफा 10 जून को ही राहुल गांधी को दे दिया था, लेकिन इसका खुलासा आज किया है। अब मैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी इस्तीफा भेजूंगा। आपको बता दें कि जब से पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कलह जारी है। कुर्सी को लेकर कैप्टन और सिद्धू आमने सामने हैं, लेकिन ये तकरार उस वक्त महाकलह में तब्दील हो गई जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद सिद्धू ने हार का ठीकरा कैप्टन के सर फोड़ दिया। बस हार का बखान था और पार्टी में घमासान था। कैप्टन ने सिद्धू की मुखालफत की सजा उनसे पीडब्ल्यूडी विभाग छीन कर दी, उन्हें बिजली विभाग का जिम्मा सौंप दिया गया। इस बदले की कार्रवाई से तो पंजाब कांग्रेस में कोहराम ही मच गया। सिद्धू भी जिद पर ऐसे अड़े कि एक महीने तक पद नहीं संभाला। उनसे मंत्री पद ना संभालने को लेकर सवाल पर सवाल पूछे जाते रहे, लेकिन उन्होंने खामोशी ही अख्तियार रखी, क्योंकि सिद्धू ने अपने मन में इस्तीफा देने का वो राज छिपा रखा था जो पंजाब की सियासत में तूफान लेकर आया है। उनके पद छोड़ने से पंजाब की पॉलिटिक्स गर्मानी तय है। अब देखना होगा कि उनकी पद छोड़ने की पेशकश पर कैप्टन क्या फैसला लेते हैं। क्या वो उन्हें मनाने के लिए खुद झुकेंगे या फिर इस्तीफा स्वीकार कर बड़े संकेत देंगे।